नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूपाबंदी चैनल में। तो आज हम बनाने वाले चिकन, यहाँ पर देखिए 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इसे अच्छी तरह से धो के और यहाँ पर रखे है चिकन को। तो चलिए बहुत ही सिंपल और आसान तरह के टेस्टी चिकन बना के आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए बनाने समय में मसाला बता दूँगी कि क्या क्या इसमें मसाला लगेगा, तो वीडियो को देखते रहिए। तो कढ़ाई मैंने गैस पर बैठा दिया, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। इसमें दे देते हैं सरसों का तेल, उसके बाद दे देते हैं इसमें तेज पत्ता और सूखे मिर्चाई दे देते हैं 2 ठो। उसके बाद इसमें दे देते हैं ये काटे हुए प्याज को रखे थे जो काट कर, उसे हम दे देते हैं। तो देखिए हमारा प्याज लाल हो चुका है, इसमें आधा लहसुन का पेस्ट दे देते हैं। एक साथ दोनों पीस लिए थे। उसके बाद इसी तरह से चला लेंगे और इसमें देंगे सूखे मसाले। तो देखिए मैंने सूखे मसाले में क्या के लिए आप लोगों को दिखा देते हैं। ये हमारा नमक है, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी मिर्च ली है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें दे देंगे। थोड़ा सा पानी देंगे, उसके बाद मसाला को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी दे देते हैं इसमें, मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और इसमें देखिए टमाटर 1 ठो काट के रखे थे छोटे छोटे, इसे भी दे देते हैं। बिल्कुल रेडी हो चुका है, तेल छोड़ दिया। अब इसमें चिकन को दे दें। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ आलू काटे थे उसे भी दे रहे हैं। आप चाहे तो बिना आलू को दिए बना सकते हैं, पर हम लोग को आलू पसंद है इसलिए मैं दे रही हूँ। तो देखिए चिकन को हम अच्छी तरह से भून लिए हैं और उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देते हैं। ये हमारा सारा पानी दे दिए इसमें, इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। और लास्ट में दे देते हैं धनिया के पत्ते। तो ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आज के वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।